भाई मैं आज आ चुका हूँ भोपाल की फेमस गुप्ता फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे, जैसे कि मैं आप लोग दिखाई रहा था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसके अंदर गया। अंदर जाने के बाद जो सीन थे ना भाई, आप देख ही सकते हो, समझ रहे हो ना। तो ठीक है, उसको छोड़ते हैं। और यहाँ पे वर्कर्स वगैरह सही काम कर रहे थे, तो मैंने देखा और थोड़ा बहुत रिकॉर्ड वगैरह करने लग गए उनका। और यहाँ पे जो मंदिर था ना भाई फ्रंट में, भाई मैंने सुना है कि यार भाई इस फ्रंट में मंदिर होना चाहिए अच्छा होता है। और यहाँ पे भटूरे एक नंबर था, यहाँ पे फिर मैं बनाते हुए देखने लग गया भाई ये किस तरीके से बना रहे थे। तो मैं से थोड़ा बहुत पूछा, फिर मैं हट गया यार, बिकॉज यार ओनर आ गए थे। तो और फिर मैं थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मैं देखने लग गया भाई, मेरे को सबसे मेन चीज़ दिखी ये नहीं बर्फ भी। और यहाँ पे सारी चीज़ देखने के बाद मेरे को मिरर दिखा, तो यहाँ पे मस्त से फोटो वगैरह खींचे। और फिर उसके बाद मेरे को अच्छा सा एक नंबर बिल्कुल टेलीफोन टाइप दिखा, तो मेरे को हुआ, मैंने कहा अरे यार कैमरे लगे हुए नहीं तो अंकल आएंगे भगा ही देंगे मेरे को। मैंने सोचा फूड ब्लॉगिंग के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार रेस्टोरेंट वगैरह। और ये अंकल बोल रहे थे भाई हंसने लग गए किस तरीके से, दीदी को ना दीदी भी हाई करने लगी। तो वैसे मैंने इतनी अच्छी अच्छी मतलब बना के रखी है। तो हाँ, अगर आप अगला आओगे कि मेरा नाम लोगे ना सोशल मीडिया के माध्यम से, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। बाय बाय। तो गाइस आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे गुप्ता फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, और उसके साथ साथ फूड ब्लॉगिंग के साथ साथ मैं वीडियो भी बनाने लग गया। बिकॉज यार देखो शॉर्ट से तो मतलब वॉच टाइम नहीं कवर होता, उससे व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स वगैरह अच्छे आ जाते हैं, लेकिन यार कवर तो अपन को करना था वॉच टाइम। और तो उसी के लिए मैंने सोचा कि यार वीडियो बनाने लग जाते हैं, और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है यार भाई। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि मतलब कुछ लेता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज यार जो क्रिस है ना वो मेरा दोस्त है, उसी के हिसाब से भाई कर देता हूँ सारी चीज़ें। तो मैं सोचा कि वीडियो वगैरह डाल देता हूँ। वीडियो भाई ये रेस्टोरेंट में जितने दिन से काम कर रहा हूँ ना अंकल भाई, इतना अच्छे तरीके से ट्रीट करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हो सारी चीज़ें मस्त है, एक नंबर। मेरे को सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी लगती है भाई, बनती हुई चीज़ें भाई बहुत हैंडेक। और ये अंकल हमेशा कहते हैं कि यार मेरे को वीडियो ले लिया कर, दीदी भी अच्छी है, सारी चीज़ सबसे अच्छी बात होती है। और रेस्टोरेंट कुछ इस तरीके का था जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर पुरानी दुकान पर गया, पुरानी दुकान पर जाने के बाद ये रहा क्रिस, ठीक है आप लोग को दिख गया होगा। और यहाँ पे भाई बहुत अच्छे तरीके से ये रहे अंकल। तो जिस तरीके से बनते हो भाई देख के, अगर आप बनते हो देखोगे ना तब कहोगे कि भाई बिल्कुल खाने है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि भाई मतलब कुछ गलत तरीके से बना रहा है ऐसा वैसा भाई। सब तरीके मतलब एक नंबर तरीके से मसाला वगैरह यूज़ होते हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। तो आप लोग आके चेकआउट जरूर कर सकते हो, और खाना जरूर मत भूलना, ठीक है। तो हाँ गाइस यार आप लोग यहाँ पे आके सारी चीज़ें चेकआउट वगैरह कर सकते हो, और ऑनलाइन डिलीवरी भी मतलब अवेलेबल है यहाँ पे। तो हाँ मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन नंबर दे दूंगा, तो यहाँ पे आप चेकआउट जरूर कर सकते हो, घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ का मैं आपको मेन्यू अगर दिखाने लग गया ना, तो आप लोग भाई मैं खुद नहीं दिखा पाऊंगा एक वीडियो में, बिकॉज यार इतना ज़्यादा आइटम्स है ना मेन्यू वगैरह में, लगभग इनके 108 से भी ऊपर आइटम्स वगैरह हैं, ठीक है। तो एक वीडियो में वो भी क्लियर कर दूंगा, और मैं सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह देना चाहूँगा, बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग की सेटिंग सेकेंड ही वीडियो है। तो ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह होगा सारी चीज़ें। और कहने का मतलब ये कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो हाँ आप लोग फैमिली के साथ भी आ सकते हो। और जैसे मैं ऊपर का सीन दिखाया था, तो बस आज के वीडियो में इतनी था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।